पल्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। सब रंग समाचार में मैं आपके सामने गुरु अमरिंद्र। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है और ये बहुत ही पावन महीना है हम सनातन धर्म के लोगों के लिए। इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है और भगवान शिव की आराधना का बहुत तरीका है, और किसी भी तरीके से भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें सोमवार की महत्ता विशेष रहती है। सोमवार कहा जाता है कि भगवान शिव का दिन है, और इस बार पूरे सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज सावन के इस पावन महीने में हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा जो भगवान शिव को अर्पण करने से आपके सारे ग्रहों की शांति, जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं आपके जन्मपत्री में, आपके जितने भी दोष हैं, इवन अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। उसका नाम है रुद्र अभिषेक। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि ये रुद्र अभिषेक है क्या और इस रुद्र अभिषेक के करने का महत्व क्या है। देखिए, जब भगवान शिव की आराधना रुद्राभिषेक के द्वारा किसी विशेष विधि विधान से किया जाता है तो निश्चित है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, अब जानना चाहते हैं हम लोग, ये जानेंगे कि रुद्राभिषेक है क्या, क्या है महत्व। देखिए, हम लोग कहते हैं कि वेद शिव, शिवो वेद, यानी शिव वेद स्वरूप है, शिव वेद है और वेद शिव है, और शिव और रुद्र ये दोनों ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये रुतः दुख का विनाश कर देते हैं, ये दुख का विनाश कर देते हैं, इसलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं। रुद्राभिषेक से मंत्रों को जो हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक की पूजा में जिस मंत्रों से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उसे शुक्ल यजुर्वेद के रुष्ट्रा अध्याय से लिया गया है। इस पूरे अभिषेक में जिस मंत्र का उच्चारण होता है उसमें वेद की ऋचाएं समाहित हैं। वेद के जितने जितने ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सभी में भगवान शिव की आराधना के साथ रुष्ट्राध्यायी, पाठ जप आदि का विशेष वर्णन है, विशेष वर्णन है, और इसकी अच्छी खासी क्या बोलिएगा, एक्सेप्टेंस है और बहुत फलदायी ये पूजा है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुष्टाध्यायी के रूप में भगवान शिव का विशद वर्णन है, ठीक है। रुद्राभिषेक के करने से प्रकृति के अनेक तत्व, जो हमारे 5 तत्व हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और उसके अलावा संध्या, उषा आदि तथा इंद्र, सोम और भी जितने नवग्रह, सब की शांति इस अभिषेक के करने से हो जाती है, क्योंकि इस मंत्र से जो हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव की, इसमें वेद की ऋचाएं समाहित हैं। तो देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि रुद्राभिषेक की जब पूजा होती है तो उसमें एक सर्टेन डेज होता है जिसे हम लोग शिववास बोलते हैं, यानी चंद्रमा की तिथि के अनुसार हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि किस दिन रुद्राभिषेक किया जाए। तो उसमें कुछ मैं पर्टिकुलर आपसे डिस्कस करूंगा कि आइए हम जानेंगे कि रुद्राभिषेक करने का दिन क्या होता है। देखिए, रुद्राभिषेक करने का जो दिन है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर शुक्ल पक्ष हो, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर शुक्ल पक्ष हो तो जो भी तिथि हो, जैसे प्रतिपदा तिथि हो, द्वितीया तिथि हो, तृतीया तिथि हो, चतुर्थी तिथि हो, उस तिथि को आप 2 से गुना कर देंगे और 5 जोड़ देंगे, जो भी टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर शेष 1, 2 या 3 बचता है तो उस दिन रुद्राभिषेक की पूजा हो सकती है। उसके बाद अगर कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो कृष्ण पक्ष में भी करना क्या है कि तिथि जो रहेगी उसमें 15 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, फिर +5 जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा
उसको सात से डिवाइड करेंगे और अगर शेष एक दो तीन बचेगा तो उस दिन आप रुद्राभिषेक की पूजा कर सकते हैं। देखिए इस बार 13 जुलाई 2020 को सोमवार पड़ रहा है, उस दिन अष्टमी तिथि है और कृष्ण पक्ष है, तो अगर आप कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं 8 + 15 × 2 + 5 यानी टोटल 43 आता है, उसको अगर डिवाइड करते हैं सात से तो अंत बचता है एक, उस दिन रुद्राभिषेक की पूजा हो सकती है। वैसे सावन में या कुछ विशेष परिस्थितियों में रुद्राभिषेक की पूजा की जा सकती है, जैसे शिवरात्रि में, शिव प्रदोष में, सावन के प्रत्येक सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र सोमनाथ है, श्री शैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकाल, मुंकार ममलेश्वरम, परल्याच वैद्यनाथम, डाकिन्या भीम शंकरम, सेतुबंधतु रामेशम नागेशम दारु कामने, तो ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है अगर यहाँ पर करवाते हैं आप रुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक आप किसी भी इसमें दिन वास देखने की जरूरत नहीं है या किसी सिद्ध पीठ पर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे दूसरी चर्चा करता हूँ कि क्यों पहली दूसरी और तीसरी तिथि को शिववास होता है। कारण क्या है कि अगर पहली तिथि है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर शेष बसता है तो भगवान शिव जो है कैलाश पर निवास करते हैं, अगर दूसरी तिथि पड़ रही है तो भगवान शिव गौरी के साथ रहते हैं, अगर तीसरी तिथि पड़ रही है तो नंदी जो उनकी गाय उनके साथ रहते हैं, चौथे अगर चार शेष आ जा रहा है तो उस समय वो मंत्रणा में मीटिंग में रहते हैं, तो अगर आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो बहुत फलदायी नहीं होगा, और पांचवें में वो भोजन करते हैं और छठे में वो आराम करते हैं, ठीक है, और क्रीड़ा में मग्न रहते हैं, और सातवें में शमशान में निवास करते हैं। तो अगर इस दौरान अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो ये रुद्राभिषेक बहुत फलदायी आपके लिए नहीं होगा। अब देखिए, अब आप आगे चर्चा करते हैं कि अगर रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं तो किन चीज़ों से और कैसे करें। देखिए रुद्राभिषेक अगर आप घर में कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर, जो भी आपके ब्राह्मण हो उनसे करके बनाकर आप रुद्राभिषेक करवाएं। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर उससे भी अच्छा नदी के तट पर कर रहे हैं तो और अच्छा है, और अगर पहाड़ पर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें है कि बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि इन चीज़ों से अगर अभिषेक किया जाए तो एक अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, तो आइए उस पर मैं चर्चा करता हूँ किन चीज़ों से अभिषेक करने पर भगवान शिव की विशेष आराधना हमें मिलेगी। अगर आप केवल जल से और गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो ये वर्षा की संभावना बढ़ाता है, आपके घर के जितने भी रोग प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देंगे, परिवार का कल्याण होगा और बीमारी और रोगी जो होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप गन्ने के रस से करते हैं तो अगर आपका व्यापार ठप हो गया है, बार बार चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं, आकस्मिक घटनाएं आपके घर में घट जा रही हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, आप गन्ने के रस से अगर अभिषेक करेंगे तो आपको अभिष्ट फलदायी भगवान शिव का मिलेगा। अब आइए आगे करते हैं मधु और घी से। अगर मधु और घी से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो वापस आ जाएगा, धन प्राप्ति के आगमन के रास्ते बन जाएंगे, आपके वंश का विस्तार हो जाएगा, अगर आपके घर में कोई इशू वगैरह का प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, अगर कोई व्यक्ति टीबी के रोग से ग्रसित है, तपेदिक रोग से ग्रसित है, उसमें भी छुटकारा मिलेगा। अगर किसी तीर्थ से आपने जल लाया है, उस तीर्थ के जल से अगर आप अभिषेक करेंगे भगवान शिव की तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर दूध से आप अभिषेक कर रहे हैं तो डायबिटिक रोग में सर्वसंपन्नता आएगी, पुरानी से पुरानी बीमारी का भी निजात हो सकता है। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है, उसमें कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि शिव का अभिषेक सरसों के तेल से करें, किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मारण क्रिया है, अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शिव की ना करें तो अच्छा है। कहा जाता है कि रुष्टाध्यायी का पाठ
जब से ही सारा कामना सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, और अगर आपने सचमुच में रुद्राभिषेक कर लिया तो फिर आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप रुद्राभिषेक भगवान शिव की भस्म से करते हैं तो तमाम कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम् वजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारूक बंदनान मृत्यु ममृश मामृतात्। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था रुद्राभिषेक पर आपको अवगत कराने का कि किस तरह से रुद्राभिषेक की पूजा की जाए आप हम अपने घर में, जिससे भगवान शिव की अनुचित अनुकंपा प्राप्त हो। नमस्कार। ग्रह चक्र की ओर से, सब रंग समाचार की ओर से अमरिंद्र, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड संस, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।